वेलकम टू मेधा एजुकेशन क्लासेस। और आज हम बात करेंगे बेसिक्स ऑफ मनी की, जो कि इकोनॉमिक्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज मनी? मनी इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेबल टू ऑल द पार्टीज। मनी ऑफ एक्सचेंज मीन्स एंड गुड्स एंड सर्विसेज। गुड और सर्विसेज को एक्सचेंज करने के लिए जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज हमें ज़रूरत होती है, उसे बोलते हैं मनी। मनी एक लीगल टेंडर है, क्योंकि उसके पीछे जो गारंटी होती है वो होती है RBI के गवर्नर की और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जिस वजह से वो एक्सेप्टेबल है। क्या इंडिया का रुपये फॉरेन कंट्रीज़ में एक्सेप्टेबल है? नहीं, क्योंकि इंडिया का रुपए फॉरेन कंट्री में लीगल टेंडर नहीं है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, व्हाट इज़ लीगल टेंडर? तो इसको हम आगे देखेंगे। मेरे पास आपके लिए क्वेश्चन है, 1 रुपए के नोट पे किसके सिग्नेचर होते हैं? फिनांस सेक्रेटरी के कि RBI के गवर्नर के? इसका आंसर वीडियो के एंड में मिलेगा। अब हम बात करते हैं एक्सेप्टेबिलिटी। इट डिपेंड्स अपॉन द गारंटी बिहाइंड द इंस्ट्रूमेंट। वॉट इज़ इंस्ट्रूमेंट? मनी इज़ नोन एज इंस्ट्रूमेंट। तो उस मनी के पीछे जो गारंटी होती है, यानी RBI के गवर्नर की गारंटी, को बोलते हैं एक्सेप्टेबिलिटी। अब इट इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। ये एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है। एवरी नोट हैज़ अ प्रॉमिस फ्रॉम द RBI गवर्नर। RBI के गवर्नर, ये एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है। और हर नोट के पीछे आपने देखा होगा, लिखा होता है मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन करता हूँ। तो ये क्या होता है, ये RBI के गवर्नर का प्रॉमिस होता है। एवरी नोट कैरी अ मॉनेटरी वैल्यू। हर नोट की कोई ना कोई मॉनेटरी वैल्यू होती है। हाउएवर इंडियन रुपी इज़ नॉट मनी इन द USA। जैसा कि मैंने बताया कि इंडियन रुपी फॉरेन कंट्री में लीगल टेंडर नहीं है, इस वजह से वो वहाँ पर मनी काउंट नहीं होगा। करेंसी नोट्स एंड द कॉइन्स आर कॉल्ड फियाट मनी। ये पूछा जाता है, व्हाट इज़ फियाट मनी? करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स आर कॉल्ड फियाट मनी। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मनी? मनी के कार्य क्या क्या है? सबसे पहला मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। पुराने टाइम पे हम बार्टर मीडियम यूज़ करते थे, बार्टर सिस्टम, पर उस टाइम पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता था। अगर आपसे कोई एक्सचेंज करने आया है और उसको चाहिए, उसके पास है व्हीट और हमको चाहिए राइस, तो हम क्या उससे एक्सचेंज करेंगे? नहीं। तो इस टाइप की प्रॉब्लम हो जाती थी बार्टर सिस्टम में, इसलिए एक लाया गया सिस्टम मनी सिस्टम। इट एक्ट एज कन्वीनियंट यूनिट ऑफ अकाउंट और यूनिट टू एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ ईच प्रोजेक्ट एंड सर्विसेज। ये क्या करता है, किसी भी प्रोजेक्ट और सर्विसेज की एक पर्टिकुलर वैल्यू बता देता है कि इसकी पर्टिकुलर वैल्यू ये है। और ये परचेजिंग पावर भी दिखाता है कि हम इस अमाउंट ऑफ मनी से कितना अमाउंट ऑफ गुड्स खरीद सकते हैं। इट एक्ट एज स्टोर वैल्यू फॉर द इंडिविजुअल। यानी कोई भी इंडिविजुअल अपनी पूरी लाइफ में या कुछ जितना भी पैसा इकट्ठा करके रखता है, वो उसकी वेल्थ में काउंट होता है। क्यों? क्योंकि मनी एक मॉनेटरी वैल्यू है। क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ लीगल टेंडर? मनी विच इज टेंडर इन द कोर्ट ऑफ लॉ डिफर द फी लीगल केसेस। मनी विच अ क्रेडिटर इज अंडर कंपल्शन टू एक्सेप्ट इन सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम्स। मनी बैंक इन द फॉर्म ऑफ चेक्स ड्राफ्ट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज। चेक ड्राफ्ट बिल ऑफ एक्सचेंज, ये कभी भी मनी में काउंट नहीं होता, क्योंकि वी कैन डिनाई ईजली। चेक को लेने से हम मना कर सकते हैं, वी कैन ईजली डिनाई इट। बिल ऑफ एक्सचेंज भी लेने से मना कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, तो सिंपल शब्दों में समझते हैं। सपोज़ हम किसी दुकान में जाते हैं, हमने वहाँ से 10,000 रुपये की ख़रीदारी की, हमारे पास उस समय उतना मनी नहीं था, तो हमने क्या किया, हमने उस दुकानदार को एक बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया कि हम इतने दिनों बाद, इतने महीनों बाद आएंगे वापस से पैसे देने। अब मान लीजिए उस दुकानदार को पैसे जल्दी ज़रूरत में पड़ गया, उसको 1 हफ्ते में ही पैसे की ज़रूरत पड़ गई, तो वो क्या करेगा, इस बिल ऑफ एक्सचेंज को लेके बैंक में जाएगा और अपने पैसे ले लेगा। इसको बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। और ये सेम इन द बैंकिंग टर्म्स में यूज़ होता है, मतलब सेम प्रोसेस बैंक में यूज़ होता है। द मेटालिक मनी इन सर्कुलेशन इन अ कंट्री। मेटालिक मनी क्या होती है, ये जो कंट्री में जो भी सर्कुलेशन होता है, क्या वो काउंट होता है लीगल टेंडर में? ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। विच अ क्रेडिटर इज अंडर कंपल्शन टू एक्सेप्ट इन सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम्स। सेम क्वेश्चन हिंदी में है, इसका भी ऑप्शन बी है। व्हाट इज़ परचेजिंग पावर ऑफ मनी? यानी हम किसी पर्टिकुलर यूनिट ऑफ मनी से जितना अमाउंट ऑफ गुड्स को खरीद सकते हैं, यानी 5 रुपये से लेट सपोज हम 10 स्टिक खरीद सकते हैं, तो वो क्या है, उसकी परचेजिंग पावर है। व्हाट इज़ डिटोरिएशन इन द परचेजिंग पावर ऑफ मनी? यानी कि हम इफ़ द प्राइस ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज, अगर
सभी सर्विसेज और गुड्स के प्राइस को हम बढ़ा देंगे तो क्या होगा कि हम उस अमाउंट ऑफ मनी से कम वस्तुएं खरीद पाएंगे। लेट सपोज हम 5 रुपये में पहले 10 सोप खरीदते थे, लेकिन अब हम 5 रुपये में 5 सोप खरीद पा रहे हैं, तो यानी ये क्या हो रहा है, डिटोरिएशन ऑफ मनी है। सेम अमाउंट ऑफ मनी से अब हम कम गुड्स खरीद पा रहे हैं। ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है कि डिटोरिएशन ऑफ मनी से आप क्या समझते हैं। द डिमांड फॉर मनी डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, हाउ द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन विल मोर द डिमांड, वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन, जितना ज़्यादा ट्रांजेक्शन होगा उतना ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स होगी, नंबर ऑफ कैशलेस ट्रांजेक्शन, अगर कैशलेस ट्रांजेक्शन ज़्यादा हो जाएगा यानी पेपर मनी की वैल्यू कम हो जाएगी, डिमांड जो पेपर मनी की वो कम हो जाएगी, मेजर ऑफ मनी सप्लाई, ये कुछ फार्मूलाज हैं इनको याद करना है, ये हिंदी में है फार्मूलाज। वॉट इज सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक क्या होता है, एपेक्स बैंक होता है जो कि बाकी सारे कॉमर्शियल बैंक्स पे क्या करता है, रेगुलेशन लगाता है, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं उनको रेगुलेट करता है। हमारे देश में जो भी FDIs होते हैं यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आते हैं, अगर आपको जानना है कि वॉट इज FDI तो मैंने प्रीवियसली इस पर लेक्चर बनाया, आप उसको देखिएगा। तो जो भी FDI आते हैं उनको कौन रेगुलेट करता है, उनको हमारा सेंट्रल बैंक रेगुलेट करता है। हर देश में कोई ना कोई सेंट्रल बैंक जरूर होता है, एक सेंट्रल बैंक जरूर होता है। इंडिया गॉट इट्स सेंट्रल बैंक 1935 में बना था, कब बना था, 1 अप्रैल 1935 को। एक्ट कौन सा था, ये यहाँ पे 1935 होगा, 1 अप्रैल 1935। एक्ट पूछा जाता है तो एक्ट होगा 1934। नेशनलाइज्ड कब हुआ था, 1 जनवरी 1949 को। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बॉम्बे में है। विच इज़ अ मेजर फंक्शन ऑफ RBI, नोट को प्रिंट करता है, बैंकर टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को, अगर हमें पैसा लेना होता है हम जाते हैं बैंक में, अगर बैंकों को पैसा लेना होता है वो जाता है RBI के पास। सेम हैपन होता है अगर गवर्नमेंट को पैसा चाहिए होता है तो वो भी जाता है बैंकों के पास। विच इज़ अ कस्टोडियन ऑफ बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, कस्टोडियन ऑफ बैंकिंग इंस्टीट्यूशन यानी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन का संरक्षक कौन करता है, कस्टोडियन उसको कौन करता है, वो कौन करता है, वो करता है RBI। ये क्या करता है, उनको सुपरवाइज करता है, उन पर रेगुलेशंस लगाता है, कस्टोडियन उनको सलाह भी देता है। कस्टोडियन टू कंट्री फॉरेन करेंसी, हमारे देश में जो भी FDIs होते हैं उनको रेगुलेट कौन करता है, वो उनका मैनेजमेंट कौन करता है, RBI। लेंडर टू द लास्ट रिपोर्ट, कॉमर्शियल बैंक को, अगर कॉमर्शियल बैंक लाइक SBI, PNB, ये सारे बैंक जो भी हमारे कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं, HDFC लाइक, जिनको भी जितने भी बैंक होते हैं अगर उनको पैसों की ज़रूरत होती तो वो जाते हैं कहाँ पे, RBI के पास। क्वेश्चन है, इस द RBI एक्ट एज बैंकर बैंक, दिस वुड इम्प्लाई विच ऑफ द फॉलोइंग, अदर बैंक रिटेन देयर डिपॉजिट विद द RBI, RBI लेट फंड टू द कॉमर्शियल बैंक, RBI एडवाइज द कॉमर्शियल बैंक टू द मॉनेटरी वैल्यू। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, इसको ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, यानी RBI क्या होते हैं, अनबैंक होते हैं RBI के पास ही अपनी राशि रखते हैं, जो RBI होता है, जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं उनको क्या देता है, लोन देता है और उनको सलाह भी देता है, तो सारे ही ऑप्शन सही है। डी मोनिटाइजेशन, इट मीन्स विड्रॉवल ऑफ कॉइन, नोट एंड प्रीशियस मेटल फ्रॉम द यूज़ ऑफ लीगल टेंडर, लीगल टेंडर की श्रेणी से अगर हम कॉइन्स को, नोट को, प्रीशियस मेटल को हटा दें तो उसको बोलते हैं डी मोनिटाइजेशन। डी मोनिटाइजेशन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कब, 2016 नवंबर 2016 को हुआ था। क्यों किया गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि डीमोनिटाइजेशन आखिर किया क्यों गया था, करप्शन को रिड्यूस करने के लिए, करप्शन को हटाने के लिए, ब्लैक मनी को हटाने के लिए, टेररिज्म, सर्कुलेशन ऑफ फेक करेंसी इन द कंट्री। तो चलिए हम सेशन को यहीं एंड करते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब मेधा एजुकेशन, अगर आपको इसकी PDF चाहिए या डेली करंट अफेयर्स, डेली वोकैबलरीज, हिंदी एडिटोरियल, तो मेधा एजुकेशन ब्लॉग स्पॉट .com पर ज़रूर विजिट करिए। थैंक यू।